दूसरी तरफ हम बिलियन ट्री वाले नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पीटीआई ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, क्या किसी को घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। हम आवाम से जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले मम्मी डैडी नहीं असल यूथ मुस्लिम लीग के साथ है। जब वो धरने दे रहे थे हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। फैसलाबाद के हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। फैसलाबाद में मेट्रो बस ही नहीं ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद ये जोश खरोश, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुलूस, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया कहूँ। मोहतरम शबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया। ये फैसलाबाद सिर्फ मेट्रो बस नहीं, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। यहाँ पे हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। बोलो ठीक कह रहा हूँ? वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं, 1 करोड़ नौकरियाँ। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। और किनिया मोटर वे चाहिए तानू कुछ दसो मैनू, तुझी ना भी दसो के मैं फेर भी बुलानी है। भाई हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। कहते ना यूथ किसे और दे नाल है, और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ, असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे।